बहुत सारे जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि 12-18 की जो एल्बम होती है फ़ोटो बुक की, उसमें सीट किसको कहते हैं और पेज किसको कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अधिकतर जो फोटोग्राफर भाई है उनको तो ये चीज़ पता होती है कि सीट किसे कहते हैं और पेज किसे कहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, एक आम आदमी जो होता है, उसको हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि सीट किसे कहें या पेज किसे कहें। तो वो कन्फ्यूजन आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दूर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि सीट किसे कहते हैं और पेज किसे कहते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एल्बम के साथ में बताऊंगा। मेरे पास में फ़ोटो बुक एल्बम है, उस एल्बम के दिखा के मैं आपको बताऊंगा कि 12-18 में सीट क्या होती है और पेज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास में ये फ़ोटो बुक एल्बम है एक, जो आपको दिख रही होगी। ये एक फ़ोटो बुक एल्बम है जो 12x36 साइज़ के, जिसको बोलते हैं, हालांकि ये 12x36 होती नहीं है, लेकिन इसको 12x36 बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि एक मेरे हाथ में बुक है जो आप देख रहे हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैं इसी के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि फ़ोटो बुक को फ़ोटो बुक कहते क्यों हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इसमें पेज और शीट किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ़ोटो बुक को फ़ोटो बुक कहते क्यों हैं। ये मेरे हाथ में एक सिंपल सी एक बुक है, और जब आप किसी भी बुक को खोलते हैं तो उसके, जब आप ओपन करेंगे उसको, तो उसके ऊपर देखिए पेज नंबर लिखे हुए आएंगे। जैसे कि मैं अगर इस पेज को आपको दिखाऊं, ये जो पेज दिख रहा है आपको, ये जो एक पेज दिख रहा है, इस पेज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके दोनों तरफ नंबरिंग लिखी हुई है। जैसे कि 65 नंबर इधर लिखा हुआ है और 66 नंबर ये ऊपर इधर लिखा हुआ है। तो यानी कि एक पेज आपका इधर वाला हो गया 65 वाला, और दूसरा पेज हो गया आपका 66 वाला। 65 नंबर का एक पेज, दूसरे नंबर का आपका 66 नंबर का पेज। तो अब इन दोनों को मिला के, ये देखिए, इन दोनों को जो मिला के होता है वो एक शीट कह सकते हैं। ये आपकी एक शीट होगी। और अगर आप इन दोनों को नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप ये जो पूरी जो खुली हुई आपको बुक दिख रही है, यहाँ से लगा के और यहाँ तक, ये आपकी एक शीट हो गई। अब मैं इसको आपको फ़ोटो बुक के माध्यम से सिखाता हूँ। और फ़ोटो बुक इसको इसलिए कहते हैं, वो जो आप फ़ोटो बुक देख रहे हैं उसको फ़ोटो बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको दोनों तरफ से काउंट किया जाता है फ़ोटो बुक को। मैं आपको वही बता देता हूँ। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरे हाथ में एल्बम है फ़ोटो बुक की, इसमें पेज किसे कहेंगे और शीट किसे कहेंगे वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये 12x36 की इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। अब फोटोग्राफर जो होता है या कोई भी आपसे चार्ज करता है, तो वो आपको सोचना है कि वो आपसे पर पेज के हिसाब से चार्ज कर रहा है या आपको पर शीट के हिसाब से चार्ज कर रहा है, ये आपको पहले ही उससे क्लियर कर लेना है। अब जैसे देखिए, ये मेरे पास में एक पेज है, ये 12x18 का, इसको हम कहेंगे 12x18 का पेज। ये जो आपको दिख रहा है ये 12x18 का पेज है, लेकिन इसके आगे भी प्रिंटिंग होती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके पीछे भी प्रिंटिंग होती है। पेज एक रहता है, प्रिंटिंग इसमें दोनों तरफ होती है। तो ये जब इस तरीके से होती है तो ये आपके 12x36, केवल इस वाले पेज को 12x36 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 12x18 आगे प्रिंटिंग हो रही है और 12x18 पीछे प्रिंटिंग हो रही है। तो ये आपका दो पेज हो गए, अगर आप इसको देखेंगे तो दो पेज हो गए और ये एक शीट हो गई। प्रिंटिंग एरिया कुल मिलाकर जिसका 12x36 होता है वो शीट होती है, प्रिंटिंग एरिया जिसका 12x18 होता है वो पेज होता है। अब अगर आप इस एल्बम को खोल के देखेंगे तो अब जो आपको ये खुली हुई एल्बम दिख रही है, ये एल्बम, ये देखिए आप, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक जो इसका है वो 36 इंच है, यानी कि 3 फीट है, और यहाँ से लगा के यहाँ तक जो इसका है वो 12 इंच है। समझ रहे हैं आप बात को? तो सीधी सिंपल सी गणित है कि जो प्रिंटिंग एरिया 12x36 का है वो एक शीट है, और एक शीट के अंदर दो पेज होते हैं। जैसे कि आप इसको भी शीट कह सकते हैं और आप इसको भी शीट कह सकते हैं। प्रिंटिंग एरिया 12x36 का होना चाहिए। और कोई भी एल्बम जब बंद होती है तो वो 12x18 साइज की ही होती है, खुलने के बाद 12x36 साइज की होती है। तो ये वो जानकारी थी जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जिनके भी घर में शादियाँ होती है या जो भी एल्बम बनवाना चाहते हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि पेज क्या होता है, शीट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये दूर हो गया होगा। और फोटोग्राफर भाई तो वैसे इस बात को जानते हैं, तो आगे से आप भी जब कभी किसी फोटोग्राफर से बात करें तो आपको सिर्फ ये तय करना है कि वो पेज कितने देगा और शीट कितने देगा, और वो चार्ज कितने का कर रहे हैं। वो 12x18 का पेज पर पेज पर चार्ज कर रहे हैं या शीट पर जो 12x36 इंच की जो शीट होती है पूरी प्रिंट एरिया उसका आपसे चार्ज कर रहे हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वरना कोई बात नहीं। धन्यवाद।